हे फ्रेंड्स, आज हम एनिमेशन का पॉइंट देखते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं एनिमेशन किसके अंदर, गूगल स्लाइड में। ठीक है, तो एनिमेशन में क्या होता है, ट्रांजिशन और एनिमेशन में बहुत फ़र्क है। ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड्स पे अप्लाई होता है, मेरा वीडियो देखना वो वाला, और जो एनिमेशन होता है वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे इसमें एनिमेशन लगाना है तो आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कि जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया कि इस पर एनिमेशन लग जाए, तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, एनिमेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एनिमेशन वाला ओपन हो जाएगा। अभी ये कह रहा है फेड, फेड कैसे अप्लाई होगा देखें। ये ऐसे फेड अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे एनिमेशन लगाना है, सॉरी इसको स्टॉप करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे मुझे एनिमेशन लगाना है तो मैं पहले सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं ऐड करूँगा एनिमेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है कि ये जूम इन हो जाए, तो जूम इन कर देंगे। ऑन क्लिक हो या ऑन क्लिक बेस्ट रहेगा, ऑटोमेटिक है नहीं इसमें। ओके फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा फास्ट हो, तो प्ले करूँ मैं। बस, और फोर्थ वाले पे अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा और फिर फोर्थ वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। फोर्थ स्लाइड पे जाओगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे। टेक्स्ट सेलेक्ट के बाद ऐड एनिमेशन करना। ऐड एनिमेशन के बाद फेड इन है, फेड आउट है, तो फेड इन कर देंगे और प्ले करके देखेंगे। ऑन क्लिक ही रहने देना, बस सब पे अप्लाई होगी। और इस पर भी अप्लाई कर देते हैं इंट्रोडक्शन पर। पहले इसको स्टॉप करो और फिर यहाँ पे जाओ और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, ऐड एनिमेशन करो। ऐड एनिमेशन आप क्या करोगे, लाइन फ्रॉम प्ले करो और क्लिक करो और ये आ गया, आया ना। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे स्टॉप कर दो, अब एनिमेशन है वो सब पे अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे क्लिक कर दो और प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन आपको क्लिक करना पड़ेगा, देखा हुआ। ठीक है, तो ऐसे एनिमेशन लगाते हैं फ्रेंड्स। इतना याद रखना, बहुत इजी है, कुछ है नहीं ऐसा। मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। लगता है क्या कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए? इंसर्ट पे जाना और यहाँ पे सेलेक्ट करना टेक्स्ट। ठीक है, और फिर जो भी एनिमेशन लगाना है आपको लगा सकते हो। एनिमेशन पे चले जाओ। अब आप सोच रहे हो कि एनिमेशन लगा दिया, इतना कुछ कर लिया, अगर आपको एनिमेशन नहीं लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे जाओ। ठीक है, और अगर आपको प्ले करना है, एक मिनट, इस पर जैसे आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है डिलीट कर दो, हो गया। इसको सेलेक्ट करना, इसको क्लिक करना। ठीक है, और डिलीट कर देना। यहाँ पे देखा आपने एनिमेशन के जो साइन है ना, ये डॉट डॉट, देखा ये हट रहे हैं। ठीक है, ऐड एनिमेशन करना और यहाँ पे डिलीट आएगा, डिलीट कर देना। बस ये तो करना आपको। ठीक है, तो ऐसे होता है एनिमेशन कैसे हटाते हैं। मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो एनिमेशन हटाना बता दिया, एनिमेशन ऐड करना बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये होता है ट्यूटोरियल एनिमेशन का। बहुत इजी है अप्लाई करना, बस इतना याद रखना है एनिमेशन जो होता है वो टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, और आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर एनिमेशन अप्लाई करना। और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। बाकी एनिमेशन टेक्स्ट पे लगता है और ऑब्जेक्ट पे लगता है, और जो ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पे लगता है। ओके फ्रेंड्स, दोनों आप साथ भी लगा सकते हो, ट्रांजिशन भी लगा दिया और वो लगा दिया टेक्स्ट पे, तो मतलब एनिमेशन भी लगा दिया, दोनों साथ लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।